दीक्षा भानुप्रिया। कॉल गर्ल को ले जाकर उनके साथ 9 लोगों द्वारा गैंग रेप करने का गंभीर मामला सामने आया है। पता चला है कि घटना सेक्टर 135 के पास एक फार्म हाउस पर हुई, जहां पर उनकी इच्छा के विरुद्ध न केवल उनसे मारपीट की गई बल्कि उनके साथ रेप भी किया गया। उनके पैसे छीनकर उन्हें भगा दिया गया। पुलिस द्वारा इस पूरे मामले को लेकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली SSP वैभव कृष्ण ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि महिलाओं के साथ मारपीट कर गैंगरेप करने वाले अखिलेश यादव, लवकेश यादव, भोला यादव, अंजनी यादव उर्फ छोटू, राजेश यादव, सतीश पाल और राजकुमार मौर्य को गिरफ्तार किया है। अभी मुलायम सिंह यादव और पंकज फरार है, जिनकी गिरफ्तारी की जा रही है। वैभव कृष्ण का कहना है कि थाना एक्सप्रेसवे में एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वो अपनी 2 महिलाओं के साथ 18 तारीख की रात को करीब 11 बजे लाजपत नगर मेट्रो स्टेशन पर अपने ग्राहकों की तलाश में खड़ी थी। तभी एक सफ़ेद रंग की स्विफ्ट कार जो ओला कैब थी उनके पास आकर रुकी। उसमें 2 लोग सवार थे। दोनों ने उनसे बातचीत की और 3 महिलाओं से शारीरिक संबंध बनाने के लिए प्रत्येक महिला को 3,000 रुपये देने की बात कही। इसके बाद उन्होंने महिलाओं को 3600 रुपये एडवांस दिए और नोएडा चलने के लिए कहा। तीनों महिलाओं को बैठाकर सेक्टर 135 के पास जमुना के तरफ बने HPC फार्म हाउस में ले गए, जहां इन दोनों के अलावा 7 लोग और आ गए। इनके बाद सभी ने महिलाओं के साथ बलात्कार किया और मारपीट की। इतना ही नहीं, एडवांस दिए गए रुपए भी छीन लिए। तीनों लड़कियां कॉल गर्ल बताई जाती हैं। पुलिस द्वारा धारा 376D और 323 के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई की गई है। पता चला है कि फार्म हाउस दिल्ली में मोटर परिवहन अधिकारी पंचपाल सिंह का है और वारदात में शामिल लोकेश यादव वहां चौकीदारी करता है। पुलिस ने फार्म हाउस को CRPC की धारा 102 के तहत सीज भी कर दिया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।